नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। तो बेबी स्वेटर के थर्ड पार्ट को लेके आज मैं हाजिर हूँ। तो हमारे दोनों आस्तीन बन के तैयार हो गए हैं। अब हम यहाँ पे, ये हमारा सेकंड फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पे हम अपना बॉर्डर वाला वूल लगाएंगे और सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो हमने फ्रंट साइड के सभी फंदे सीधे बना लिए हैं। अब रॉन्ग साइड से बॉर्डर के फंदे सीधे बनाएंगे और मेन पार्ट के फंदे उल्टे बना लेंगे। ये 6 फंदे बॉर्डर के हो गए, जिन्हें हम सीधा बनाएंगे और शेष फंदे उल्टा। तो हमने ये फ्रंट पार्ट के सभी फंदे उल्टे बना दिए। अब ये लास्ट फंदा बचा हुआ है और ये आस्तीन तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है। अब ये जो है वो बैक बैक साइड का फंदा है। तो लास्ट फंदा, ये फ्रंट के लास्ट फंदे को, तो फ्रंट के लास्ट फंदे के अंदर से ये ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे देखिए, ये हमने क्रॉस करा लिया। अब पहले बैक वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर फ्रंट वाले फंदे को। देखिए इस तरह ये ऐसे बंध गया। अब फिर बैक के सारे फंदे हम एक ही सिलाई पे ऐसे बुनते चले जाएंगे। बैक साइड के सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर देखिए, ये बैक का लास्ट फंदा है और ये सेकंड, ये फ्रंट का, ये फर्स्ट फंदा। तो इन दोनों को ऐसे इसके अंदर से, बैक वाले के अंदर से ऐसे इसको निकाल लेंगे। दोनों को आपस में ऐसे क्रॉस करा लिया और फिर दोनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब सभी फंदे उल्टा बुनेंगे और अब ये बॉर्डर के 6 फंदे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुनेंगे। अब फिर पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और पूरी लाइन, अब सारे फंदे एक ही सिलाई पे आ गए हैं, तो सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। सामने की तरफ हम हैं, देखिए हम सामने की तरफ हैं और सभी फंदों को सामने से सीधा और बैक साइड से उल्टा बुनते हुए 12.5 सेंटीमीटर तक कंप्लीट करेंगे। तो 12.5 सेंटीमीटर तक कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसमें ये वाला डिज़ाइन फिर से सेट करेंगे, जैसे हमने आस्तीन में सेट किया था, यानी बॉर्डर के बाद 3 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, चौथा स्लिप करना है, फिर 3 फंदा सीधा, चौथा स्लिप करना है। इसी इन्हीं 4 फंदों को हमें दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 3 फंदा सीधा, चौथा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा और चौथा स्लिप करेंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और फिर लास्ट में 6 फंदे
और फिर लास्ट में 6 फंदे का बॉर्डर जिसे हम दोनों साइड से सीधा बुनेंगे। और फिर डिज़ाइन में दोनों फंदों को ऐसे, दोनों ऊन को ऐसे क्रॉस करेंगे, दोनों धागों को ऐसे क्रॉस करेंगे, बुने हुए फंदे सीधे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते जाएंगे। बुना हुआ फंदा उल्टा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते जाएंगे। इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बॉर्डर के फंदे हम सीधा बुन लेंगे और ये 12 लाइन कंप्लीट हो जाने पर, हर 13वें ये उल्टे फंदों की 12 धारी कंप्लीट हो जाने पर देखिए हमें बटन होल बना लेना है। तो बॉर्डर के फंदे हम सीधे बना लेंगे और फिर मेन पार्ट के भी फंदे हमें इस लाइन में सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। जो स्लिप किया गया है वो भी फंदा और जो बुना गया है सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे, बॉर्डर के फंदे सीधे रहेंगे और सभी फंदे उल्टे। अब हम दूसरे रंग के ऊन से भी इन्हीं चारों लाइनों को दोहराएंगे, यानी 3 फंदा सीधा और 4th फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा और 4th फंदा स्लिप करेंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और बॉर्डर के फंदे सीधे बना लेंगे। तो मैं लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और रॉन्ग साइड से पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, बॉर्डर के फंदे सीधे बुन लेंगे उन अपनी ओर करेंगे, दोनों फंदों को ऐसे क्रॉस करेंगे, बुने हुए फंदे उल्टे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, बुना हुआ फंदा उल्टा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और बॉर्डर के फंदे सीधे बना लेंगे। बॉर्डर के फंदा सीधे बुनने के बाद अब हम सेकेंडरी कलर से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। इस लाइन में हमें कोई फंदे स्लिप नहीं करने हैं, सभी फंदे सीधे बना लेने हैं और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा बना लेंगे। तो जैसा हमने ये आस्तीन में 12 लाइन बनाया है, ऐसे ही हम यहाँ 12 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो 12 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन के 12 लाइन कंप्लीट होने के बाद अब हमें सभी फंदे बॉर्डर वाले उनके रंग से ही सीधे बुनने हैं, यानी और दोनों साइड से सीधे बुनने हैं, यानी कि अब हमें सिर्फ बॉर्डर बनाना है। हमारा स्वेटर कंप्लीट हो चुका है, अब हमें बस दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए इसे, बॉर्डर बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है।
सामने से भी सीधा और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे सीधे बुनते हुए हमें बॉर्डर बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ सीधा सीधा बुनते हुए हमने 8 लाइन कंप्लीट कर लिया है, जिससे 4 उल्टे फंदों की धारियां आ गई हैं। अब ये 9th रो है और सामने से तो पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के और आगे वाले पे चढ़ा देंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। तो ये हम फंदों को बाइंड ऑफ कर रहे हैं। हमारा स्वेटर कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा लास्ट लाइन है। अब हम फंदों को बाइंड ऑफ कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक एक फंदे को सीधा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। हाथ ना हम बहुत टाइट रखेंगे और ना ही बहुत ढीला। देखिए हमारे फंदे उतरने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे ही एक एक फंदा हम बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। तो मैं सारे फंदे बाइंड ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम एक एक फंदे बुनते हुए सभी फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब हम धागे को काटेंगे और इस फंदे के अंदर से इसे निकाल लेंगे, थोड़ा टाइट ऐसे कर लेंगे और फिर इस धागे को अंदर की तरफ फंसा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्वेटर बनके तैयार हो गया है। अब हमें बस आस्तीन की सिलाई करनी है और इसके साथ ही स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ सिलने के लिए धागा छोड़ा हुआ था, उसमें हम सुई डाल लेंगे और इसे उल्टा सिरा ऊपर की तरफ कर देंगे। हमारा सीधा सिरा अंदर की तरफ है और फिर दोनों सिरों को ऐसे मिलाते हुए और सिलाई करना शुरू कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्यारा सा बेबी स्वेटर बनके तैयार है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।